अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र भदरसा में नाबालिग से रेप प्रकरण में सपा उलझती हुई नजर आ रही है। अभी तक आरोपित मोहित खान को पद से न हटाने पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और अब विपक्ष के निशाने पर सपा आ गई है और लपेटे में आरोपित के संबंधी सपाई आ रहे हैं। हालांकि सपा इस प्रकरण में फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि मोहित पार्टी के बेस वोटर में से हैं और कार्रवाई होने पर कहीं मुस्लिम वोट प्रभावित न हो, इसलिए मोहित पर अभी कार्रवाई की तलवार नहीं लटक रही है। फिलहाल पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फरमान पर जिले के सपाइयों की निगाहें टिकी हुई है। हाईकमान से आदेश के बाद ही रेप प्रकरण में सपा अगला कदम उठाएगी। नाबालिग रेप मामले में योगी सरकार ने स्थानीय पुलिस पर निलंबन का हंटर चलाकर एक संदेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सपा की ओर से आरोपित पर कार्रवाई ना करके चुप्पी साधे बैठी है। 29 जुलाई को सपा के भदरसा महानगर अध्यक्ष मोइन खान पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया, लेकिन सपा संगठन अभी तक मोहित को पदमुक्त नहीं कर सकी है। सूत्रों की माने तो मोहित को पद से हटाने को लेकर सपा को मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है। हालांकि जानकार सपाइयों की माने तो पूरे मामले में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत करा दिया गया है और अब उनके फरमान के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को सपाइयों ने पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर बैठक कर मोहित खान की मदद के लिए गोपनीय बैठक की। इसमें गोसाईगंज को छोड़ के सभी विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी शामिल रहे। बैठक में रेप मामले से संबंधित तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में सुई पार्टी हाईकमान के फैसले पर टिक गई। भदरसा में हुए गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के कमरे में संचालित होने वाली पुलिस चौकी पर ताला लटका हुआ है। गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद चौकी को हटाकर भरतकुंड सरोवर के पास शिफ्ट कर दिया गया। मोहित खान के मकान पर भदरसा पुलिस चौकी की स्थापना 2012 में हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के समय सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उस समय गैंगरेप के आरोपी की जमीन पर ये चौकी खुली थी। सूत्रों के अनुसार पुराना भदरसा चौकी को सील कर दिया गया है, लेकिन कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बोलने से बच रहे हैं। हालांकि इस बीच सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को अभय सिंह ने जिला महिला अस्पताल में रेप पीड़िता से मुलाकात की और इस दौरान समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा। साथ ही आरोपित सपा नेता पर अभय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। अभय सिंह ने सपा के पीडीए पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या यही पीडीए है? क्या निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आती है? आज पीडीए का कोई भी व्यक्ति एक बालिक के साथ नहीं है। 12 वर्ष की बालिका के साथ दरिंदगी की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में ये बात कही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बच्ची खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला कर उसके साथ हैवानियत की गई। दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आगे अभय सिंह ने कहा, जिला प्रशासन इस बात का पता करे कि उसके पास कौन सी अवैध प्रॉपर्टी है, कौन सा धंधा करते थे ये लोग। ये भी पता चला है कि ये पहली लड़की नहीं है, इसके पहले भी कई लड़कियां दुष्कर्म का शिकार हो चुकी हैं। इन आरोपियों ने कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले को दबा दिया गया, उनकी शिकायत सुनी नहीं गई। पीडीए वाले लोग थे क्या? निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आता क्या? पिछड़ी जाति एक जाति के लिए बना है क्या? पीडीए केवल अल्पसंख्यक के लिए बना है? पीडीए का नारा लगाने वाले आदमी क्या आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपको बता दें कि रेप पीड़ित की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरोपी सपा नेता मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल सकता है, उसकी जमीनों की पैमाइश हो रही है। इसके अलावा आरोपी के साथ सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा एवं एक अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।